हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि पीसीओडी 143 से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। एक फाइनेंस मैनेजर की क्या क्या रोल्स होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा ये ज्वाइन वाले बटन के बारे में, जिसको ज्वाइन करके आप एक तरीके से हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर ढेर सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको लो कॉस्ट पे नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपको इस नॉमिनल सा फी पेमेंट करना है, करने के बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा जहाँ पे आप क्लिक करके आप हमारे एक्सक्लूसिव बीकॉम के जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आकर के स्टडी करें। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, आपको इग्नू बीकॉम न्यू दिखेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने स्क्रीन पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारी की सारी प्लेलिस्ट आप देख पाओगे, जिसके अंदर ढेर सारी वीडियोज हैं जिनको देख करके सुन करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो देखो, फाइनेंस मैनेजर के रोल को दो भाग में बांटा गया है, एक है आपका मेजर फंक्शंस, दूसरा है अदर फंक्शंस। अगर मेजर फंक्शंस की बात करें तो मेजर फंक्शन में होता है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी कैपिटल की आपका आवश्यकता है। दूसरा होता है प्रोक्योरिंग द रिक्वायर्ड फंड्स, जो आपके फंड्स की आवश्यकता है उसको आप प्रोक्योर करोगे, ठीक है। तीसरा होता है एलोकेशन ऑफ फंड्स, प्रोक्योर करने के बाद आपको उस फंड को एलोकेट करना होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। चौथा है मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स को मैनेज करना। पांचवा है फाइनेंशियल कंट्रोल। ये मेजर फंक्शंस है। अदर फंक्शंस की बात करें, मतलब पहले ये फंक्शंस आप करोगे, इसके बाद जो बच जाएंगे अदर फंक्शंस में वो सारी चीजें आ जाएंगी। सो मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स, इसके लिए आप अलग से एक अकाउंटेंट भी रख सकते हो जो कि एक तरीके से मेंटेन करेगा इन्वेंटरी लेवल और रिसीवेबल्स को, राइट। तो ये अदर फंक्शंस की कैटेगरी में आता है। दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसको इवैल्यूएट करना। तीसरा है फाइनेंशियल नेगोशिएशंस करना, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज है उनके साथ। चौथा है ट्रैक ऑफ शेयर प्राइसेस, जो शेयर प्राइसेस होते हैं उस प्राइस को एक्चुअली एक तरीके से ट्रैक करते रहना। सो दीज आर द फ्यू जो है पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब आपसे पूछा जाए कि रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। तो मेजर फंक्शन और अदर फंक्शन हो गए, अब इनको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। सो द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज वेरी क्रूशियल एज ही और शी has to take into consideration all the finance functions, this investments decision, financial decision and dividend decision, है ना। तो जो role of financial manager होता है वो बहुत ही ज्यादा important होता है और बहुत ही ज्यादा crucial होता है, क्योंकि वह जो है, जो she या फिर he है, जो भी finance manager है, उसको हर एक तरह का decision लेना पड़ता है, चाहे वो investment decision हो, चाहे वो financial decision हो या फिर dividend decision हो। इस तरह के finance के जो functions होते हैं important, वो उनको जो है लेना होता है। The major function of the financial manager is to see those finance functions and assess the capital requirements of the firm and then allocate the funds appropriately for the optimum utilization of funds, है ना। तो जो major function होता है financial manager का वो ये होता है कि वो एक तरीके से अपने finance function को ठीक तरीके से समझे, उसको देखे और capital की जो requirement है उसको वो ठीक तरीके से access करे। अगर उसको capital की requirement है तो उसको capital को एक तरीके से fund को receive करना है, procure करना है और then उसको allocate करना है on different different projects, जहाँ भी उनको एक तरीके से allocate करने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने funds का optimum utilization करते रहो। जैसे कि आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं तो आप अगर 2 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं बैंक अकाउंट में, तो सबसे खतरनाक, सबसे खराब डिसीजन आपने लिया है, क्योंकि वहां पे साल भर में आपको सिर्फ 6,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। वेयर अगर आप शेयर मार्केट में लगा देते या किसी और जगह पे लगा देते, इवन अगर आप एफडी भी कर लेते, तो भी आपको वहां पे 5, 5.5, 6, 7% का रिटर्न जो आपको मिल जाता है। तो शेयर मार्केट में लगाओ तो कम से कम 15% का रिटर्न तो हर साल मिलता ही है ना। तो 2 लाख का 15% 30,000 आपको मिलता है। अगर आपने बैंक में, सेविंग्स बैंक में रखा, तो आपको 6,000 रुपए मिलेगा। आप समझ रहे हो डिफरेंस। तो आपको अपने फंड्स को ठीक तरीके से यूटिलाइज करने के लिए इन सारी फंक्शंस को आपको परफॉर्म करना होता है। एक फाइनेंशियल मैनेजर यही करता है। एज पार्ट ऑफ द माइनर फंक्शंस, ही और शी हैज टू कीप एन आई ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस सो एज टू कीप एप्रोप्रिएट डिसीजंस।
फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू, है ना। तो जैसे कि मेजर फैक्टर्स हो गए, मेजर पार्ट हो गया, तो माइनर पार्ट में उसको क्या करना होता है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि आपके बिजनेस के डिसीजंस को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनके ऊपर एक तरीके से नजर बना करके रखना कि किस तरीके से वो काम कर रही है, उसका असर हमारी कंपनी के ऊपर क्या पड़ रहा है और कौन कौन से डिसीजन हमें लेने होंगे उन फोर्सेस के कारण, ये उनका जो है मेन काम हो जाता है, दूसरा काम हो जाता है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर को करना क्या क्या होता है, एक एक करके आप बात करते हैं। सबसे पहले उसको करना होता है फाइंड द वेज एंड मीन्स टू प्रोक्योर फंड्स। अगर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और आपको पैसे चाहिए पैसे एलोकेट करने के लिए, तो आपको ये सोचना होगा कि फंड आपको सबसे पहले कहाँ से मिलेगा, फंड आप किस तरीके से और कहाँ से आप प्रोक्योर करोगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है टेक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसके लिए उसको लेकर के आपको एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने डिसीजन ले लिया, है ना। तो एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लेने का काम जो है वो भी रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर के तहत आता है। परफॉर्म फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग। आने वाले समय में जो भी फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग आपको करनी है, लाइक होने वाली सिचुएशंस है, उसके बारे में आपको एक तरीके से फॉरकास्टिंग करने आना चाहिए, रोल में आपका ये भी आ जाता है। चौथा रोल होता है मेंटेन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जो लिक्विडिटी पोजीशन है, कैश की जो मात्रा है, कैश का जो फ्लो है, उसको मेंटेन करके रखना, उसको एक तरीके से इंटैक्ट रखना रखने का काम जो है वो फाइनेंस मैनेजर का होता है। एनालाइज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे भी वो काम कर रहा है उसका फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करना और उसके बेसिस पे एक तरीके से रिपोर्ट करना, अगर उसका कोई सीनियर है, या फिर डिसीजन लेना, ये जो है उसके काम में आ जाते हैं। अगला है प्रिपेयर द बजट्स फॉर ऑल द फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी फंक्शनल और एरियाज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जहां पे भी वो काम कर रहा है, उसके जो भी बजट्स होंगे उसको प्रिपेयर करने का काम जो है वो फाइनेंस मैनेजर का होता है। मैनेज द पेमेंट्स एंड रिसीवेबल्स। कंपनी के जो भी पेमेंट्स हैं और जो भी रिसीवेबल्स हैं उसको एक तरीके से मैनेज करने का काम जो है वो फाइनेंस मैनेजर का होता है। फ्रेम एंड अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म। अब जब आप एक फर्म चला रहे हो तो क्रेडिट पॉलिसी भी आपकी होनी चाहिए कि अगर आप किसी को उधार दे रहे हो या फिर आप उधार पे सामान दे रहे हो तो आपकी क्या पॉलिसी है, आपका क्या संविधान है, क्या रूल है। तो इसको फ्रेम करने का काम, आपके रूल को तैयार करने का काम, पॉलिसी को तैयार करने का काम जो है फाइनेंस मैनेजर का होता है। राइट, टेक डिसीजंस रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट। तो किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी मशीनरी के डिप्रिसिएशन या फिर उसको रिप्लेसमेंट को लेकर के जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो फाइनेंस मैनेजर को लेने होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज टेक्स डिसीजंस रिलेटेड टू द एसोसिएटेड रिस्क ऑफ द फंड्स, है ना। तो जो आप एसोसिएटेड रिस्क आपका जो है, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे एसोसिएटेड रिस्क भी रहेगा, है ना। तो वो एक तरीके से उसको एक्सेस करना, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिसीजन लेना, ये काम जो है वो भी फाइनेंशियल मैनेजर का होता है, ठीक है ना। सो इन ऑल फाइनेंस मैनेजर has to analyze, interpret and forecast the funding requirements of the organization. तो किसी भी organization का जहाँ पे भी वो काम कर रहा है उसकी जो financial condition है, जो funding की requirement है, उसको एक तरीके से analyze करना, interpret करना और forecast करना कि आगे जाकर के कितनी funding की आवश्यकता पड़ेगी और आप किस तरीके से procure करोगे, ये सारे के सारे काम जो है finance manager के होते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि उनको फेस करने पड़ते हैं while doing their job. A finance manager while performing his duties, functions जो होते हैं, comes across many challenges. These challenges can be. तो जब वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। वो चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर एज शेयर होल्डर्स हैव बिकम मोर अवेयर। देखो जो कस्टमर होता है, जो शेयर होल्डर होता है आपकी कंपनी में, उसके लिए वैल्यू क्रिएट करना अपने बिजनेस के लिए, ताकि वो आपके बिजनेस में लाइक इन्वेस्टेड रहे, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम पे शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। अगर आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो हो सकता है वो आपसे छोड़ करके कहीं और चले जाएं। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल। तो जो साइकोलॉजी है इन्वेस्टर की, जैसे मैं अगर इन्वेस्ट करूं तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी कंपनी अगर कहीं इन्वेस्ट करती है तो वो क्या हो गया, वो कंपनी हो गई, इंस्टीट्यूट हो गया। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं या फिर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझने का काम जो है वो भी फाइनेंस मैनेजर का होता है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले सके। तीसरा है मैनेजिंग द मार्केट रिस्क। मार्केट में जो भी रिस्क है उसको मैनेज करने का काम जो है एक तरह का चैलेंज है जो कि उनको फेस करना पड़ता है। अगला है बीइंग स्मार्ट विद इंप्लाइज दैट शी ही और शी पजेस इफेक्टिव इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो उसके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एक स्मार्ट बनकर के रह सको और जो भी चीजें आपको इफेक्टिवली करने की जरूरत है आप उन सबके ऊपर इफेक्टिवली आप अपना काम कर सको।
ठीक है, सो ऑल दीज चैलेंजेस हैव मेड द जॉब ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर क्वाइट चैलेंजिंग। तो ये जो चार चैलेंजेस मैंने आपको बताए हैं, इसके कारण से एक फाइनेंस मैनेजर का जो काम होता है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, और साथ ही साथ जो मैंने फंक्शंस आपको बताए हैं वो तो है ही। ठीक है, सो दीज आर द मेजर फंक्शंस। मेजर फंक्शंस क्या, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।